अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मजे में है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। सो मॉर्निंग का टाइम है, शीरिन स्कूल जा रही है। मैंने आप लोग को दिखाई नहीं थी क्योंकि अब शीरिन का स्कूल लग रहा है तो मैं छोड़ने नहीं जाती। काफ़ी धूप वगैरह होती है और होता भी नहीं है जाना, तो बस लगवा दिए हैं जैसे तैसे करके। शीरिन की ले नहीं रहे थे बस वाले भैया कि नेक्स्ट ईयर से चालू करेंगे, बच्चे काफ़ी सारे हैं, बट हमने बात की है कि होगा नहीं, एडजस्ट हो। फिर क्या, नायमा रहेगी घर में तो मैं नायमा को लेके कैसे जाऊंगी, उसके वेकेशन लग गए। ये देखिए शीरिन जा रही है स्कूल, इतने अच्छे से जाती है और सामने से मैं नहीं जाती शीरिन को छोड़ने, मतलब शीरिन खुद से जाती है क्योंकि सामने जो आपको दिखाई थी अभी जूम करके, वो सामने उसके नारायण स्कूल की बस खड़ी है, वहाँ तक जाती है और रिटर्न आने के आती भी है तो मेन रोड में ही छोड़ते हैं तो वो घर वापस आ जाती है। ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा सा ही है क्योंकि वहाँ से घर ईजिली दिखता है। इस तरीके से शीरिन चल जाती तो मैं बालकनी से उसको देखती हूँ, वो भी मुझे देखती है, बाय करके ही बस में वो बैठती तो उसको भी रहता है कि मम्मी खड़ी है। जब तक वो नहीं जाती है तब तक मैं खड़ी रहती हूँ, उसको बड़ा सुकून लगता है। बच्चों को रहता है ना कि मम्मी कितने बाय कर रही है, तो एक अंदर से वो रहता है कि हाँ है करके और बाय करेंगी तो वो इतनी खुशी खुशी चल जाती है। फिर वहाँ से वो बाय करती है, फिर मैं करती हूँ, फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। सो अब देखिए शीरिन जाएगी, मैं दिखा रही हूँ आपको, दिख रही ना वो बस जो येलो पट्टे वाइट में जो मेन रोड में दिख रही है वही शीरिन की बस है। और बिल्कुल नहीं हो पा रहा था रोज़ रोज़ शीरिन को, और अब क्या है नायमा का वेकेशन चालू हो गए थे, मैं तो नायमा को लेके जैसे ये ड्यूटी जाएंगे तो मुझे नायमा को लेके जाना पड़ेगा, इस वजह से हम लोग ने बस लगवाए हैं। वो चली गई, शीरिन बैठ चुकी है, अब बस स्टार्ट हो गई और चली जाएगी। इस तरीके से बस आती है 6:35 जैसे में आती है, वो देखिए वो चली गई 6:35। तो यहाँ से दिखती है तो मैं यहाँ से देखती हूँ, और जो बालकनी के बाजू वाला रूम है ना, ये देखिए ये दिख रही है ना जाती हुई, यहाँ तक देखती हूँ मैं, और बालकनी के बाजू वाला रूम है उसमें विंडो से भी पूरा दिखता है। अब मैं जाती हूँ, रेडी होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। मैं देखिए नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मुझे लिप में पता नहीं छाला हो गया है एक छोटा सा, जो मेरे को मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी आज मन किया था कि मैं रेडी हूँ। पता है मैं आपको बताती हूँ कि कभी कभी मेरा मन करता है, कभी क्या बहुत बार ऐसा होता है, पहले बहुत करती थी अभी उतना नहीं करती, कि जब भी नज्जू ड्यूटी में रहते हैं और आने वाले होते हैं तो मैं इसी तरीके से रेडी होके रहती हूँ, रेडी रहती हूँ कि वो आए और उनको एकदम फ्रेशनेस लगे और हम सब भी फ्रेश रहें। तो मैं बच्चों को भी रेडी रखती हूँ, घर वगैरह भी अच्छे से रखती हूँ कि थके हारे आते हैं एटलीस्ट वो घर आके तो उनको एकदम रिलैक्स लगे कि सब एकदम सिस्टमेटिक है, अच्छा है, तो उनको बहुत एक होता है ना पॉजिटिविटी होती है कि घर में कदम रखते ही। तो आज मेरा मन किया बहुत टाइम बाद साड़ी पहनने का, मेरी हेल्थ है तो मैं साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं चाहती हूँ कि मैं दुबली पतली पहले जैसी रहूँ और फिर पहनूँ साड़ी तो बहुत सुंदर दिखूँगी। तो इस ये सोच सोच के मैं पता साड़ी नहीं पहन पाती, मेरी पूरी साड़ियाँ रखी हुई हैं। तो आज मुझे मन किया कि नज्जू के लिए रेडी हुआ जाए, तो रेडी मैं ऐसे नहीं हुई हूँ, मैं सिंपल हूँ, सिर्फ साड़ी पहनी हूँ, कोई मेकअप वगैरह भी नहीं की हूँ, सिंपली तरीके से अभी रेडी हुई। अभी मैं अभी पता है नायमा ने मुझे नहीं देखी, अभी शीरिन तो स्कूल चली गई है तो वो अभी आएगी, तो बच्चे भी मुझे साड़ी में नहीं देखते तो उन लोग भी एकदम सरप्राइज हो जाएंगे कि मम्मी ने आज साड़ी पहनी, और थोड़ा सा उन लोग को न्यू लगेगा, अलग टाइप का लगेगा और अच्छा लगेगा, और इनको भी बहुत टाइम बाद मुझे इस साड़ी में देखेंगे तो एक खुशी होती है ना देख के कि हाँ यार थोड़ा सा अलग डिफरेंट मतलब किए अपन ने, और अपन खुद को भी जैसे अपन भी डेली वही लोवर टी शर्ट पहन के बोर हो जाते हैं, मार्केट जाते हैं वही सूट, तो आज मैंने साड़ी पहनी तो मुझे भी एक अलग खुशी हो रही कि हाँ मैंने साड़ी पहनी हूँ, और पिंक कलर की थी तो और अच्छा लग रहा था, गोल्डन वर्क में थी, और इसी तरीके से मेरी काफ़ी साड़ियाँ रखी बट मैं बिल्कुल नहीं पहन पाती हूँ। तो हाँ नायमा थी घर में और मैं उसके पास से गई, और ऐसे देखी मैं जा रही हूँ ना नायमा के पास जाऊँगी और वहाँ से गुजरूँगी तो वो मुझे देखेगी और ये कि मम्मी आप हो मम्मी, इतनी सुंदर मम्मी लग रही है। देखिए ये नायमा है एकदम सॉफ्ट हो गई मुझे देख के थोड़ी देर के लिए कि मम्मी रेडी हुई है और वो भी साड़ी पहनी है,
तो मैंने कि हाँ बेटा मैं ही मम्मी हूँ आपकी और मैंने ही साड़ी पहनी हूँ। तो उसे इतनी खुशी हो रही थी। और फिर सीरीन भी आई, उसने भी देखी कि मम्मी ने पहली बार साड़ी पहनी, तो उसको भी इतनी खुशी हो रही थी। मैंने ये दिखाई ना आपको पूरा किस तरीके से ये दिख रही हूँ मैं। और मेकअप वगैरह तो मैंने ऐसा कुछ नहीं की थी, नहा के आई हूँ जैसे दिख रही हूँ वैसे ही है, क्योंकि कुछ भी अभी मैंने लोशन वगैरह ही लगाई हूँ, ज़्यादा कुछ मैं नहीं की हूँ, सिंपली जैसे दिख रही वैसे ही। तो मैंने फिर क्या की, कुछ पिक्चर्स वगैरह, मुझे लगता है कि कुछ टाइम लेडीज़ों को अपने आप को भी देना चाहिए, अपने लिए भी निकालना चाहिए। इस तरीके से एक अंदर से खुशी होती है, पॉजिटिविटी आती है, और सामने वाले को भी अपनी जो एक कॉन्फिडेंस होता है और अपनी खूबसूरती नज़र आती है, बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ुद को भी अच्छा लगता है, यूं ही ऐसे पड़े रहने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं ऐसे कभी कभी नज़ू के लिए रेडी हो जाती हूँ, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, तो मुझे भी अच्छा लगता है। घर में सभी को मेरा ये लुक बहुत पसंद आया, मैं इस तरीके से रेडी हुई, सभी ने तारीफ की, बच्चे लोग भी बहुत खुश हुए मम्मी को ऐसे देख के, नज्जू भी बहुत खुश हुए, उन्होंने भी तारीफ की। और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि मैं पतली लग रही हूँ साड़ी में, ऐसा बोले नज्जू ने, क्योंकि होता है ना हेल्थ है करके मैं नहीं पहनती, बट इन्होंने बोले कि पतली लग रही हूँ साड़ी में और बहुत सुंदर दिख रही, तो बहुत खुशी हुई अंदर से। तो साड़ी पहनना मेरा मतलब तैयार होना सब बहुत अच्छा। सो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।